नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा 23 से 27 जून के बीच में हेडिंग्ले लीड्स में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 3:30 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए हेडिंग्ले की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के ग्राउंड रिकॉर्ड्स क्या हैं। वहीं पर इस तीसरे टेस्ट मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस तीसरे टेस्ट मैच में हेडिंग्ले के मैदान पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर Day 1 to Day 5 लीड्स की वेदर रिपोर्ट क्या है और वेदर रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन पिच किस तरीके से बर्ताव कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस तीसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए लीड्स की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस टेस्ट मैच के लिए, वो थोड़ी सी खराब है, क्योंकि ये टेस्ट मैच भी आपको बारिश से प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम डे वाइज टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो डे वन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, वहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और उस दिन आपको पूरा सनी कंडीशन ही देखने को मिलने वाली है, बारिश की संभावना बेहद कम है। बात कर लें दूसरे दिन की, तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है, वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। और इस दिन आपको दिन के टाइम पर 2 घंटा बारिश देखने को मिल सकती है, वहीं पर रात के टाइम पर भी 1 घंटा बारिश फोरकास्ट की गई है। इसके अलावा हम बात कर लें तीसरे दिन की, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, वहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है, 3 घंटा बारिश आपको दिन के टाइम पर देखने को मिल सकती है, और तीसरे दिन यहाँ पर आपको क्लाउडी कंडीशंस ही देखने को मिलने वाली है। बात कर ले चौथे दिन की, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, वहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और चौथे दिन आपको मोस्टली सनी कंडीशंस या फिर क्लाउडी कंडीशंस ही बीच बीच में देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर 1.5 घंटा बारिश फोरकास्ट की गई है दिन के टाइम पर। वहीं हम बात कर ले पांचवे दिन की, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस ही फोरकास्ट किया गया है, वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और इस दिन भी आपको सनी कंडीशंस और क्लाउडी कंडीशंस बीच बीच में देखने को मिलेंगी, जबकि कपल ऑफ शार्स आ सकते हैं, और 1.5 घंटा बारिश फोरकास्ट की गई है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये ओवरऑल जो वेदर फोरकास्ट है वो समराइज्ड फॉर्म में बताऊं, तो पहले दिन आपको पूरा 90 ओवर का खेल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सनी कंडीशंस ही रहेंगी। दूसरे दिन यहाँ पे 2 घंटा दिन में बारिश फोरकास्ट की गई है। अब ये देखना होगा कि कितनी ज़्यादा दूसरे दिन बारिश होती है, लेकिन इस दिन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खेल होता हुआ नजर आएगा, मतलब 60 से 70 ओवर के बीच में कम से कम इस दिन खेल होने वाला है, अगर बारिश होती भी है तो। वहीं हम बात कर लें तीसरे दिन की, तो इस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश की फोरकास्ट है, क्लाउडी कंडीशंस भी रहेंगी, तो ऐसे में हो सकता है कि इस दिन आपको सबसे ज्यादा कम खेल होता हुआ नजर आए, मतलब 40 से 45 ओवर का ही खेल इस दिन संभव हो सकता है। इसके अलावा हम बात कर ले चौथे दिन और पांचवें दिन की, तो इन दोनों दिनों में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा बारिश फोरकास्ट की गई है, तो ऐसे में इन लास्ट के 2 दिनों में भी चांसेस यही है कि आपको पूरा खेल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट मैच में अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो बारिश यहां पर आपको होते हुए नजर आ सकती है हर दिन, और क्लाउडी कंडीशन ही ज्यादातर रहने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में जो तेज गेंदबाज हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होने वाले हैं इस टेस्ट मैच में, और आपको इस टेस्ट मैच में पांचों दिन तेज गेंदबाजी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए हेडिंग्ले लीड्स की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल मैच रिजल्ट्स की बात कर लें, तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 79 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 29 मैचेस जीते हैं, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 32 मैचेस जीते हैं, और 18 मैचेस ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आप इन ओवरऑल स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि इस मैदान पर ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप टॉस हार जाओगे तो मैच भी हार जाओगे। यहां पर पहले बल्लेबाजी करना या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों टीमों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है मुकाबले को जीतने के लिए, और ये चीज आपको स्टैट्स में नजर भी आ रही है। इंग्लैंड के दोस्तों, ज्यादातर जो मैदान है वहां पर आपको कुछ इस प्रकार के स्टैट्स नजर आएंगे, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने में या फिर सेकंड बैटिंग करने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, और दोनों टीमों के पास बराबर मौका होगा मुकाबले को जीतने के लिए। ऐसे में दोस्तों, ये एक आइडियल टेस्ट वेन्यू माना जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई वेदर रिपोर्ट और ओवरऑल मैच रिजल्ट्स की, लेकिन इस मैदान पर 1899 से टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं। तो अगर 1899 से जो टेस्ट मैचेस इस मैदान पर अभी
अभी तक खेले गए हैं, अगर हम उन सभी टेस्ट मैचेस का एनालिसिस करेंगे तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि इस तीसरे टेस्ट मैच में जो हेडिंग्ले की पिच होगी वो किस तरीके से बर्ताव करेगी, क्योंकि जो 1899 में पिच की कंडीशंस थी और जो अब यहाँ की पिच की कंडीशंस है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, पिच का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका है। तो जो रीसेंट टेस्ट मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं हम सिर्फ उन्हीं का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो लास्ट 5 टेस्ट मैचेस हेडिंग्ले के मैदान पर खेले गए हैं वहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने एक मुकाबला जीता है जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 4 मैचेस जीते हैं। तो दोस्तों आप इन रीसेंट 5 मैचेस के स्टैट से देख सकते हो कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए आपने देखा है कि जो हाल फिलहाल के टेस्ट मैचेस खेले गए हैं वहाँ पे आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर काफ़ी कम नज़र आया है। जो पिछला टेस्ट मैच खेला गया था इस मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वहाँ पर इंडियन टीम महज 78 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके अलावा जो एशेज 2019 का मुकाबला इस मैदान पर खेला गया था वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स में मात्र 179 रन बना पाई थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला गया था इस मैदान पर वहां पर पाकिस्तान की टीम भी फर्स्ट इनिंग्स में 174 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। तो दोस्तों ये स्टैट्स आपको क्लियर बता रहे हैं कि इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता है और यहां पर फास्ट बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। हालांकि दोस्तों पहले दिन जो वेदर फोरकास्ट है वो अच्छी है, सनी कंडीशन ही रहने वाली है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि यहां पर तेज गेंदबाज पहली इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हो सकता है कि कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करें, लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जो सेकेंड इनिंग्स होती है वहाँ पर भी आपको लो स्कोर ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि एशेज 2019 का जो मुकाबला खेला गया था वहाँ पर इंग्लैंड की टीम भी फर्स्ट इनिंग्स में महज 68 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। तो यहाँ पर पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स दोनों इनिंग्स में तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद रहती है, हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव आपको साबित होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए पिछले 5 टेस्ट मैचेस के एवरेज इनिंग्स स्कोर्स की। तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 197 रन का रहा है, वहीं पर एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 276 रन का रहा है। इसके अलावा एवरेज थर्ड इनिंग्स का स्कोर 253 रन का रहा है जबकि एवरेज फोर्थ इनिंग्स का स्कोर 342 रन का रहा है। तो दोस्तों आप इन एवरेज स्कोर से देख सकते हो कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस बेहतर हो जाती हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग के लिए कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहती हैं। यहाँ पर गेंद तेज गेंदबाजों की काफ़ी स्विंग करती है, ऐसे में आपको जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 200 के करीब नजर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा इस टेस्ट मैच में भी। और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम 300 या फिर इसके आसपास स्कोर बना लेती है तो वो काफी ज्यादा अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पिच पर। इसके अलावा हम बात कर लें सेकेंड इनिंग्स और थर्ड इनिंग्स की। तो दोस्तों ये देखा गया है कि दूसरे दिन लंच के बाद और तीसरे दिन तक यहां पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है, पिच भी थोड़ी फ्लैट हो जाती है और इसीलिए आपको सेकेंड इनिंग्स और थर्ड इनिंग्स में जो स्कोर है वो 300 या 325 तक बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं हम बात कर लें फोर्थ इनिंग्स की। तो जो पिछले 5 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं उनमें से सिर्फ 2 ही टेस्ट मैचेस ऐसे हुए थे जहां पर फोर्थ इनिंग्स में टीम की बल्लेबाजी आई थी, बाकी के 3 टेस्ट मैचेस थर्ड इनिंग्स में ही समाप्त हो गए थे। और दोस्तों जो 2 टेस्ट मैचेस में फोर्थ इनिंग्स में बल्लेबाजी आई थी वहां पर दोनों बार हमें शानदार रन चेजेस देखने को मिले थे। एक टेस्ट मैच आपको याद होगा जरूर जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था एशेज 2019 का, जहां पर बेन स्टोक्स की करिश्माई पारी की वजह से इंग्लैंड ने जो 362 रन का स्कोर चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक विकेट से वो मुकाबला जीता था। जबकि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबला खेला गया था वहां पर वेस्टइंडीज की टीम ने 322 रन के स्कोर को चेस किया था चौथी इनिंग्स में। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि फोर्थ इनिंग्स में भी 300 और 350 के स्कोर इस मैदान पर चेस हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर चौथी इनिंग्स में भी बैटिंग कर रहे हो तो आपके पास मैच जीतने का चांसेस रहेंगे। अगर आप 300 या 350 स्कोर चेस कर रहे हो तो वो भी इस मैदान पर चेस किया जा सकता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस तीसरे टेस्ट मैच में हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों जो पिछले 4 टेस्ट मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 111 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि सिर्फ 17 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं, जहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 105 विकेट लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट मिले हैं। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 11 विकेट्स लिए हैं जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 3-3 विकेट मिले हैं। तो दोस्तों आप इन लास्ट 4 टेस्ट मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि जो हेडिंग्ले की पिच है वो तेज गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होती है, इसलिए फास्ट बॉलर्स पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं इस मैदान पर टेस्ट मैचेस में और तभी यहां पर सबसे ज्यादा
ज्यादा विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने ही चटकाए हैं। और इस टेस्ट मैच में भी दोस्तों आपको यही नजर आएगा कि जो शुरुआती तीन दिन होंगे वहां पर आपको फास्ट बॉलर्स ही पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आने वाले हैं। शुरुआती तीन दिनों में स्पिनर्स का लोड बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही चौथा दिन और पांचवा दिन आएगा तब हो सकता है कि जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स हैं उनको स्पिन से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात कर लें ओवरऑल, तो ओवरऑल यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहेगी, गेंद काफी ज्यादा स्विंग होगी और ज्यादातर विकेट्स आपको फास्ट बॉलर ही चटकाते हुए नजर आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर ही ज्यादा रखने चाहिए कंपेयर टू स्पिनर्स, और आप 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो और उस 1 स्पिनर में आप 1 राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ जा सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो दोस्तों इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर वो शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस को जीतकर सीरीज को ऑलरेडी 2-0 से अपने नाम कर चुके हैं। स्पेशली पिछले टेस्ट मैच में जिस तरीके से इंग्लैंड ने 299 रन के स्कोर को चेस किया था चौथी इनिंग्स में, वो काबिले तारीफ था, जहां पर हमें जॉनी बेस्टो की तरफ से तूफानी शतक देखने को मिला था। और उस टेस्ट मैच की जो सेकेंड इनिंग्स थी वहां पर इंग्लैंड जो बल्लेबाज हैं जो रूट और इसके अलावा ओली पोप, उनकी तरफ से भी बेहतरीन शतक हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों इस समय इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है और गेंदबाजी है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, सीरीज भी वो 2-0 से जीत चुके हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करने वाले हैं और अनचेंज्ड प्लेइंग 11 के साथ ही तीसरे टेस्ट मैच में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं एलेक्स लीस के साथ जैक क्राउली, नंबर 3 पर आ सकते हैं ओली पोप, नंबर 4 पर जो रूट, नंबर 5 पर जॉनी बेस्टो, नंबर 6 पर कैप्टन बेन स्टोक्स, नंबर 7 पर विकेटकीपर बेन फोक्स, नंबर 8 पर मैटी पॉट्स, नंबर 9 पर जैक लीच, नंबर 10 पर स्टुअर्ट ब्रॉड और नंबर 11 पर जेम्स एंडरसन आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए तीसरे टेस्ट मैच से पहले जो अच्छी खबर निकल कर आई है वो ये है कि केन विलियमसन अपना क्वारंटीन पूरी तरीके से पूरा करके तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो माइकल ब्रेसवेल को रिप्लेस करेंगे। वहीं पर काइल जेमिसन इंजरी की वजह से तीसरे टेस्ट मैच से रूल आउट हो चुके हैं और उनकी जगह पर आपको नील वैगनर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में यही दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपको न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है, जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे टॉम लेथम के साथ विल यंग, नंबर 3 पर आ सकते हैं डिवॉन कॉनवे, नंबर 4 पर कैप्टन केन विलियमसन, नंबर 5 पर हेनरी निकल्स, नंबर 6 पर डैरिल मिचेल, नंबर 7 पर विकेटकीपर टॉम ब्लंडल, नंबर 8 पर नील वैगनर, नंबर 9 पर टिम साउदी, नंबर 10 पर मैट हेनरी और नंबर 11 पर ट्रेंट बोल्ट आ सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला तीसरे टेस्ट मैच के लिए हेडिंग्ले लीड्स की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और कौन सी टीम ये तीसरा टेस्ट मैच जीतने वाली है। क्या इंग्लैंड की टीम ये टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम इस टेस्ट सीरीज में पहली जीत दर्ज करेगी या फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। आपकी जैसी भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।